इस्लाम एक मुकम्मल जाप्त हयात हाँ। कभी सोचा है हर बात के पीछे यहूदियों की साजिश क्यों और कैसे होती है हाँ। बेहयाई खुद करें मोरद इल्जाम यहूदी एक दूसरे को कत्ल हम करें इल्जाम अमेरिका पर मसलक को बुनियाद बनाकर उम्मत को टुकड़ों में हम तकसीम करें इल्ज़ाम कुफार पर कभी ये क्यों नहीं सोचते कि हम क्या कर रहे हैं अल्लाह ताला खुद क़ुरान में कहता है कि और नुसारा तुम्हारे दुश्मन हैं। तो फिर उनसे गिला कैसा जब वो हमारे दुश्मन ही हैं तो वो वही करेंगे जो उन्हें करना चाहिए हम वो क्यों नहीं करते जो हमें करना चाहिए दरअसल हम खुद अपनी जिंदगियों से इस्लाम निकाल चुके हैं सिर्फ इस्लाम का लेबल लगाए खुद को मुसलमान समझते हैं जबकि अगयार ने इस्लामी असूलों को अपनाया है इसीलिए वो तरक्की की राह पर गामजन हैं। ये दुनिया है भाई यहाँ अल्लाह ताला इंसाफ से काम लेता है यहाँ हर इंसान वही काटेगा जो वो बोएगा अल्लाह किसी की मेहनत को जाया नहीं करता भले ही वो परले दर्जे का काफिर ही क्यों न हो झूठ हम बोलते हैं जिना हम करते हैं मामलात हमारे दुरुस्त नहीं चोरियों और लूट मार से हम बाज नहीं आते कत्लो गारतगिरी हम में आम है मसलकों की बुनियाद पे हम एक दूसरों के गले काट रहे दजलो फरेब को हम फखर समझते और करते हैं फिर ये गिला काहे का कि हम तरक्की नहीं कर रहे हमारे माशरे में अमन तबाह व बर्बाद हो चुका वगैरह वगैरह देखिए वो भी मुसलमान थे जिनकी मिसाल दुनिया देती थी अमन और सुकून जिनके हाँ आम था तरक्की की बुलंदियों को वह सर कर रहे थे दुनिया के हर मैदान की शह सवारी के पास थी उन्हीं से दुनिया जीने के गुर सीखती थी अपने दिमाग के दिए जलाने सारा आलम परवानों की मानन उनके गिर जमा होता था आखिर क्यों क्योंकि वो अमली मुसलमान थे उनकी जिंदगियां इस्लामी असूलों के आन मुताबिक थीं उनके मामलत दुरुस्त थे वो सदक और अमीन थे वो जिम्मेदाराना ज़िंदगी गुजारते थे उन्होंने इस्लाम को हमारी तरह दुआओं और इबादत तक महदूद नहीं किया था उन्होंने इस्लाम को हमारी तरह महज एक मजहब कबूल नहीं किया था बल्कि उन्होंने इस्लाम को एक जब्त हयात के तौर पर माना था तभी पूरी दुनिया उनके कदमों में आ गिरी थी तभी इस माशरे में इमाम अबू हनीफा इमाम मालिक इमाम शाफी और इमाम अहमद बिन हम्बल रुम जैसे उलमा और फ़ीर पैदा हुए थे जिनकी आज भी दुनिया तकलीद करती है तभी तो जाबिर बिन हयान इब्न अल हाइसम याकूब अल किंदी और ख्वारी जैसे साइंसदान पैदा हुए हजरत खुलफाए राशिदीन रज़ी राशिदिन अन्हुम हज़रत मुआविया रज़ी अन्हु उमर बिन अब्दुल अजीज और सलाहुद्दीन अयूबी जैसे हुक्मरान पैदा हुए लेकिन आज हमें क्या हो गया हम पीछे क्यों रह गए वो दुनिया जो कल तक हमारे आसरे पे चलती थी आज हम ही को क्यों लीड कर रही है कभी सोचिएगा इकबाल जब यूरोप से आला तालीम के हसूल के बाद लौटे तो किसी ने पूछा अलामा साहेब आपने यूरोप और बरसगीर में क्या फ़र्क देखा तो इकबाल ने क्या खूब जवाब दिया एक ही जुमले में दोनों माशरों की तफरीक बयान कर डाली उनका जवाब था मैंने यूरोप में इस्लाम देखा लेकिन मुसलमान नहीं जबकि बरसग़ीर में मुसलमान तो देखा लेकिन इस्लाम नहीं अहल मगरब ने ज़िंदगी में कुदरत के उन असूलों को अपनाया है जो इस दुनियावी जिंदगी को जीने के लिए वज़ा किए गए थे इसीलिए आज वो दुनिया पर राज कर रहे हैं अब भी अगर फिर हमें अपने उस खोए हुए मकाम को पाना है तो वही वहीसूल अपनाने पड़ेंगे जो अल्लाह ने हमारे लिए बनाए हैं अगयार को शिकस्त देनी है तो अमली मैदान में कूदना पड़ेगा अपने मामला को दुरुस्त करना पड़ेगा जिंदगी की गाड़ी को उसके फितरी ओसूलों की शारा पर चलानी होगी इस्लाम को तकरीरों और तहरीरों से निकाल कर अमली जिंदगी में अपनाना पड़ेगा वरना महज बदवाओं से हम अगर को शिकस्त नहीं दे सकते मख्तसर ये कि इस्लाम को सिर्फ एक मसहब मत बनाओ उसे अपना जाप्ता हयात बनाओ वे उर्दू अंधेरी रात में एक रोशन चिरा